बिल ऑफ एक्सचेंज, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है और एक बिजनेस बिल ऑफ एक्सचेंज को कैसे यूज़ करता है ट्रेड करने के लिए, एंड जो वो यूज़ है उसे अकाउंटिंग बुक्स में हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस बिल ऑफ एक्सचेंज एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or on order of a certain person or the bearer of the instrument. So basically this definition is saying that जब एक bill of exchange बनाया जा रहा है तो वो bill of exchange एक instrument है payment को ensure करने के लिए, और इस इंस्ट्रूमेंट में, इस बिल ऑफ एक्सचेंज में बेसिकली राइटिंग में एक अनकंडीशनल ऑर्डर लिख दिया जाता है मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, और वो उसे साइन भी करता है और वो बेसिकली डायरेक्ट करता है, ऑर्डर करता है एक सर्टेन पर्सन को कि वो एक सर्टेन अमाउंट पे कर दे एक उस सर्टेन पर्सन को या फिर बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को, बियरर माने जिसके भी पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा। सो बेसिकली ये एक ऑर्डर टू पे है बाय द मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू द वन हु इज एक्सेप्टिंग दिस इंस्ट्रूमेंट दैट ही विल पे द मनी ऑन द ड्यू डेट टू अ सर्टेन पर्सन। तो जो व्यक्ति इसे साइन करेगा वो ऑर्डर कर रहा है एक दूसरे व्यक्ति को कि वो पे करे एक सर्टेन सम ऑफ मनी एक सर्टेन डेट के बाद। यहाँ एक स्पेसिमेन हमें दिख रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज का, यहाँ पर मिस्टर हामिद जाफर ऑर्डर कर रहे हैं मिस्टर राशिद अहमद को कि वो 30,000 रुपीज़ पे करेंगे 2 months आफ्टर डेट, सो दैट मीन्स 2 months आफ्टर दिस डेट ऑन विच इट हैज़ बीन ड्रॉन, पे करेंगे किसे, मिस्टर कमल अखमल को, जो कि पे ही हो गया इसमें थर्ड पार्टी, उनके ऑर्डर पे 30,000 रुपीस फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। देन पार्टीज ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जब एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं तो उसमें बेसिकली 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल में भी देखा। ड्रॉअर, ड्रॉअर वो होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, और ये जनरली वो बंदा होता है जिसने कुछ उधार पे दिया है किसी दूसरे व्यक्ति को, तभी तो वो ऑर्डर कर रहा है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी एक सर्टेन डेट को एक सर्टेन पर्सन को दे दी जाए दूसरे व्यक्ति द्वारा जिसको उसने उधार दिया है। ठीक, देन द ड्रॉअर इज द पर्सन हु मेक्स और राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट इज वाई ड्रॉअर, बनाने वाला। ही इज़ अ पर्सन हु हैज़ ग्रांटेड क्रेडिट टू द पर्सन ऑन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। तो ये जनरली वो बंदा होता है जिसने क्रेडिट दिया है उस बंदे को जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया है। देन ड्रॉई, ड्रॉई वो बंदा होता है जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया है, इसका मतलब जिसको पेमेंट करनी है। सो ही इज़ द पर्सन ऑन हुम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर हिज एक्सेप्टेंस। सो वट हैपन्स इज दैट ड्रॉअर बनाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, वो ड्रॉई के पास भेजता है और ड्रॉई एक्सेप्ट कर लेता है दैट येस आई विल पे दिस सम ऑफ मनी टू दिस पर्सन ऑन दिस डेट। या एंड जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तब ये प्रॉपरली एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है। ही इज़ द पर्सन टू होम क्रेडिट हैज़ बीन ग्रांटेड, तो ये वो बंदा है जिसको क्रेडिट दिया गया है ड्रॉअर के द्वारा। देन पे, पे वो बंदा है जिसको पैसे मिलेंगे, जो ड्रॉअर ने ऑर्डर किया है कि एक सर्टेन व्यक्ति को पेमेंट कर देना, तो वो जो व्यक्ति है वो पे ही है जिसको पैसे मिलने हैं। सो द पे इज द पर्सन नेम्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज टू हुम द अमाउंट इज टू बी पेड, पे ही मे बी द ड्रॉअर हिमसेल्फ, ऐसा हो सकता है कि पे ही ड्रॉअर ही हो जिसने उधार दिया उसी को पैसे वापस मिलने हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो, ऐसा भी हो सकता है। देन टाइप्स ऑफ बिल एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड बिल और एक होता है अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल होता है जहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है फॉर अ ट्रेड ट्रांजेक्शन। तो जब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को उधार पे गुड्स बेचे तो वो दूसरा व्यक्ति उसे पेमेंट करेगा, और लेट्स से वो 3 महीने बाद पेमेंट कर रहा है, तो जब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाएगा तो जिसने बेचा है वो ऑर्डर करेगा उस व्यक्ति को जिसने ख़रीदा है कि वो एक सर्टेन डेट के बाद एक सर्टेन पर्सन को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दे देगा, और जब वो उस बिल को एक्सेप्ट कर लेगा ड्रॉई
तब वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा. और ये ट्रेड बिल है क्योंकि ट्रेड ट्रांजेक्शन से ही बन रहा है. और दूसरा बिल होता है अकोमोडेशन बिल. दिस बिल इज़ ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर म्यूचुअल हेल्प. एक दूसरे की मदद करने के लिए इस बिल को बना दिया जाता है. जैसे कि अगर दो व्यक्ति हैं ए और बी और इन दोनों को ही पैसों की ज़रूरत है, तो ये एक दूसरे की मदद कर सकते हैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखकर एक दूसरे के नाम. जैसे ए ने ऑर्डर किया बी को कि वो 2 महीने बाद उसे एक सर्टेन सम, लेट्स से 3,000 रुपीज़ दे देगा, और ऐसे ही बी ने भी एक ऑर्डर किया ए को कि वो भी उसे 3,000 रुपीज़ दे देगा. और अब वो क्या करेंगे, इसका बिल ऑफ एक्सचेंज से जो पैसे नहीं आए, बट बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसे डिस्काउंटिंग फैसिलिटी कहते हैं, कि अगर किसी के पास बिल ऑफ एक्सचेंज है कि उसे एक सर्टेन डेट को कुछ महीनों बाद पैसे मिलने वाले हैं, तो बैंक कहता है कि तुम मुझे वो बिल ऑफ एक्सचेंज दे दो, मैं एक सर्टेन फीस काट कर तुम्हें बाकी पैसे आज दे दूंगा. और फिर जब उस सर्टेन डेट को पैसे मिलने वाले होंगे बिल ऑफ एक्सचेंज से, तो उससे बैंक कलेक्ट कर लेता है पैसे. तो मान लीजिए ए ने बी को बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दिया, तो ए के पास आ गया बिल ऑफ एक्सचेंज. अब ए बैंक के पास जाता है और बैंक ये बिल ऑफ एक्सचेंज तो ले लेता है, और इसके बदले में उसे लेट्स से 2,900 रुपीज़ दे देता है, जिसमें 100 रुपीज़ बैंक की चार्जेस हो जाएंगे. सो इस तरह ए को आज की डेट में 2,900 रुपीज़ मिल गए, और जब 2 महीने हो जाएंगे तो बैंक बी के पास जाएगा और 3,000 रुपीज़ ले लेगा. और सेम चीज़ होगी जब बी ने भी बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉ किया है ए के नाम पे, तो बी अपने बैंक के पास जाएगा और उससे 2,900 रुपीज़ ले लेगा. और फिर 2 महीने बाद बी का बैंक ए से जाके 3,000 रुपये ले लेगा. इस तरह दोनों ने आज 2,900 यूज़ कर लिए और पे किया 3,000 2 महीने बाद. तो एक तरीके से अपने पैसे फिनांस कर लिए बैंक के थ्रू यूजिंग दिस बिल ऑफ एक्सचेंज. और इस तरीके के अरेंजमेंट को अकोमोडेशन बिल कहते हैं. देन एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या फ़ायदा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज को यूज़ करने का. सबसे पहला है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. तो उधार पे खरीदना बेचना आसान हो जाता है. देन फाइनेंसिंग थ्रू डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, जैसे मैं आपको बता रही थी कि डिस्काउंटिंग करके बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू हम फाइनेंस कर सकते हैं. तो अगर मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है तो मैं बैंक से उसे डिस्काउंट करा के आज ही पैसे ले सकती हूँ. देन ईजी टू रिकवर द अमाउंट थ्रू लॉ के थ्रू इसे अमाउंट रिकवर करना आसान हो जाता है, क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर रिकॉग्नाइज्ड भी है एक लीगल डॉक्यूमेंट. तो लॉ के अंडर ये ऑब्लिगेशन राइज हो जाती है जब बिल ऑफ एक्सचेंज बना लिया जाता है, तो पेमेंट रिसीव करना थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ आसान हो जाता है. देन यूज़ फॉर पेमेंट थ्रू एंडोर्समेंट्स. एंडोर्समेंट्स क्या होता है, अगर मुझे किसी से पेमेंट लेनी है और एट द सेम टाइम मुझे किसी को पेमेंट करनी भी है, तो जिससे मुझे पेमेंट लेनी है अगर मैंने उससे बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया, तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक मीडियम ऑफ पेमेंट में यूज़ कर सकती हूँ और उस व्यक्ति को दे सकती हूँ जिसे मुझे पेमेंट करनी है. तो जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगी बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो वो व्यक्ति जिसे मैंने एंडोर्स किया, जिसको मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, वो डायरेक्टली जाकर उस व्यक्ति से ले लेगा पैसे जिससे मैंने पैसे लेने थे. तो एक तरीके से सेटलमेंट हो जाती है इसमें एंडोर्समेंट के थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज को. देन सर्टेनिटी एज टू पेमेंट, जब लिख कर बात कर दी जाती है, ऑब्लिगेशन अराइज कर दी जाती है, तो हम सर्टेन हो जाते हैं कि अब तो पेमेंट हो ही जाएगी क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट पे ये ऑब्लिगेशन मान ली गई है. देन नो रिमाइंडर टू डेटर. अब इस केस में जब एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया है, एक लीगल ऑब्लिगेशन बन गई है, तो बार बार रिमाइंडर भेजने की ज़रूरत नहीं होती डेटर को कि यू हैव टू पे मी मनी आफ्टर 1 month और लेट्स से 2 months. या देन कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रेड रेमिटेंस, ये बहुत ईजी तरीका है ट्रेड रेमिटेंस का. इसका मतलब है कि ट्रेड ट्रांजेक्शन्स जब हम करते हैं, तो उसके लिए जब पेमेंट करनी होती है ट्रेड के बदले में, तो उस पेमेंट को करने के लिए बहुत ईजी तरीका है बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, कि आज मैंने लिख के दे दिया और 2 या 3 महीने बाद जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं पेमेंट कर दूँगी. देन वैलिड एविडेंस ऑफ डेट, ये एक वैलिड एविडेंस है कि एक पार्टी ऑब्लाइज है दूसरे को पेमेंट करने के लिए. ये एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर. देन यहाँ कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज मैंने डाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर. इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में बिल ऑफ एक्सचेंज जब बनाया जाता है तो क्या क्या होता है, और
कैसे हम उन्हें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. ठीक, तो जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं तो उससे पहले तो हम सेल करते हैं गुड्स को, तो दोनों की बुक्स में हम देखेंगे, ड्रॉअर की बुक्स में भी और ड्रॉई की बुक्स में भी हम इन एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करेंगे. ड्रॉअर होता है जिस व्यक्ति ने उधार पे गुड्स बेचे हैं, इट मींस ही और शी हैज टू रिसीव मनी, इसे पैसे लेना है. एंड ड्रॉई इज वन हु हैज टू पे मनी. या सो जब सेल किए गुड्स उधार पे ड्रॉअर ने, तब नॉर्मल एंट्री हो जाती है डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. अभी हम इसका रीज़न भी देख सकते हैं, डेटर रिसीवर है हमारे गुड्स का, तो इसीलिए जो हमारा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग था डेबिट द रिसीवर, तो क्योंकि डेटर ने गुड्स रिसीव किए हैं इसीलिए हमने उन्हें इसे डेबिट कर दिया. देन टू सेल्स अकाउंट, क्यों? क्योंकि सेल्स एक हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है एंड क्रेडिट ऑल रेवेन्यूज एंड इनकम्स, सो दैट इज़ वाई डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. और जब इसने सेल किया ड्रॉअर ने, एट द सेम टाइम ड्रॉई ने परचेज किया गुड्स को क्रेडिट पे, और जब परचेज किया तो वो परचेज उसके लिए एक्सपेंसेस है इसीलिए परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया. देन क्रेडिटर उसके लिए गिवर है गुड्स का, एंड डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सो गिवर को क्रेडिट कर दिया क्रेडिटर्स लिखकर. देन ऑन ड्रॉइंग, अब तो अभी सिर्फ सेल परचेज हुआ है, ठीक है, बट जब पेमेंट की बारी आई तो उन्होंने कहा कि हम एक बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पेमेंट सेटल करेंगे. तो ऑन ड्रॉइंग, तो जब ड्रॉअर ने बिल ऑफ एक्सचेंज बना लिया और ड्रॉइंग ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया और फिर वापस ड्रॉअर ने उसे रिसीव कर लिया एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज, तब वो एक बिल रिसीवेबल बन जाएगा ड्रॉअर के लिए और बिल पेबल बन जाएगा ड्रॉई के लिए. तो जब ड्रॉइंग एक्सेप्टिंग एंड रिसीट ऑफ बिल हो जाता है तो एक बिल रिसीवेबल वो व्यक्ति जो ड्रॉअर है वो रिसीव करेगा. और हमारा प्रिंसिपल रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो उसके पास क्या आ रहा है? बिल ऑफ एक्सचेंज आ रहा है, बिल रिसीवेबल आ रहा है जिसकी पेमेंट 3 महीने बाद या एक सर्टेन डेट को होगी. सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट. डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि डेटर्स अभी तक वो मेरी बुक्स में रिकॉर्डेड था, वो मनी समझ लीजिए 3,000 रुपीज़ है, तो वो 3,000 रुपीज़ मेरी बुक्स में डेटर्स की तरह रिकॉर्डेड था कि एक डेटर है उससे मुझे 3,000 रुपीज़ लेने हैं. अब उस डेटर के बदले में बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया 3,000 रुपीज़ का, तो वो डेटर्स मेरी बुक से ख़त्म हो जाएगा. और अभी तक डेबिटेड था डेटर, तो उसे कैंसिल करने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया. या फिर इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि डेटर अब जा रहा है ना हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से, सो डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो दैट इज़ व्हाई क्रेडिट द डेटर. और जब ये ड्रॉइंग एक्सेप्टिंग एंड रिसीट ऑफ बिल बाय द ड्रॉअर हो जाता है तो ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होती है? क्रेडिटर तो अब कैंसिल हो जाएगा कि अब क्रेडिटर के रूप में वो मेरी ऑब्लिगेशन नहीं है बल्कि वो एक बिल पेबल के रूप में मेरी ऑब्लिगेशन है. तो क्रेडिटर्स को कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दिया और बिल पेबल एक ऑब्लिगेशन बन गई है, उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए क्रेडिट में लिख दिया, मेरी एक ऑब्लिगेशन आ गई है. देन ऑन पेमेंट ऑफ द बिल एट मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी पे बिल की पेमेंट होती है तो ड्रॉई की बुक्स में क्या रिकॉर्ड होता है कि बिल पेबल कैंसिल होगा कि अब जो ऑब्लिगेशन थी वो ख़त्म हो गई जब मैंने पेमेंट कर दी, तो इसलिए उसे डेबिट कर दिया. बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. टू कैश मींस पेमेंट कर दिया एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो कैश इज गोइंग आउट ऑफ अ बिजनेस क्योंकि ड्रॉइंग ने तो पेमेंट कर दी है, सो दैट इज़ वाई टू कैश अकाउंट. अब जब ड्रॉअर को मनी रिसीव्ड होगा तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि कैश उसके पास आ रहा है एंड डेबिट व्हाट कम्स इन टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि अभी बिल रिसीवेबल मेरे एसेट तरफ पढ़ा था डेबिट तरफ, अब वो पेमेंट मुझे रिसीव हो गई, सो बिल रिसीवेबल कोई ऑब्लिगेशन नहीं रह गई किसी थर्ड पार्टी को मुझे पे करने की, तो इसीलिए अब उसे कैंसिल कर देंगे और ऑलरेडी वो डेबिट में पड़ा था तो अब वो क्रेडिट में आ जाएगा. देन द ड्रॉअर रिटेन्स द बिल टिल मैच्योरिटी. सो जैसे मैंने अभी आपको जो एंट्री बताई वो एंट्री थी जब ड्रॉअर मैच्योरिटी तक उस बिल को अपने पास ही रखता है, तो मैच्योरिटी पे उसको कैश आ जाता है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है और बिल रिसीवेबल कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बिल रिसीवेबल मेरा एक एसेट था कि किसी और की ऑब्लिगेशन है मुझे पे करने की और अब वो कैंसिल हो गई जब मुझे पेमेंट रिसीव हो गई. बट
ऐसा हमेशा नहीं होता कि जो ड्रॉअर होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने पास ही रखे उस टाइम पीरियड के दौरान, वो उसको कुछ और तरीकों से भी डील कर सकता है. तो उस केस में क्या एंट्री होगी, लेट्स सी दैट. व्हेन द बिल इज़ डिस्काउंटेड विद द बैंक, इसका मतलब है जब मैंने बैंक को के पास गई और मैंने बैंक को कहा कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू मुझे 3 महीने बाद पैसे मिलने वाले हैं, पर मुझे आज पैसों की ज़रूरत है, आप इस बिल ऑफ एक्सचेंज को रख लीजिए और मुझे इसके बदले में आज कुछ पैसे दे दीजिए, इस अपना चार्जेस काट कर डिस्काउंटिंग चार्जेस, तो मुझे कैश मिल जाएगा और डिस्काउंटिंग चार्जेस मुझे पे करने पड़ेंगे बैंक को. सो लेट्स से 3000 का मेरा बिल था, तो 100 रुपीज़ अगर डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं तो 2900 रुपीज़ मुझे मिल जाएंगे. सो कैश मुझे मिला 2900 वर्थ का, उसे डेबिट कर दिया, डेबिट वर्थ कम्स इन, देन डिस्काउंटिंग चार्जेस मेरा एक्सपेंस है और ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, सो उसको भी मैंने डेबिट कर दिया कि 100 रुपीज़ के मेरे डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गए. देन बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, क्यों, क्योंकि अभी तक बिल रिसीवेबल मेरी बुक्स में एज एन एसेट रिकॉर्डेड था और अब जब मैंने रिसीव कर लिया है पेमेंट तो अब वो कोई एसेट नहीं रहा है, तो उसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट में बिल रिसीवेबल लिख देंगे. नाउ व्हेन अ बिल इज़ एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर, जैसे अभी हम पहले भी बात करे थे कि अगर ड्रॉअर का कोई क्रेडिटर है, इसका मतलब है कि ड्रॉअर को अभी तो पैसे रिसीव करने हैं ड्रॉई से, बट ड्रॉअर को भी किसी को पैसे देने हैं जो कि उसका क्रेडिटर है, तो उस केस में वो ड्रॉअर चाहे तो बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स कर सकता है अपने क्रेडिटर को, इसका मतलब क्रेडिटर को दे सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज और उसे कह सकता है कि मुझे इस व्यक्ति से पैसे लेने हैं तो ऐसा करो तुम इससे ले लेना आफ्टर 2 मंथ्स और वट एवर इज द टाइम पीरियड. सो जब ऐसा ड्रॉअर करेगा तो ड्रॉअर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी तक वो व्यक्ति जिसे पेमेंट करनी थी ड्रॉअर को वो उसका क्रेडिटर था, बट जब उसने उसे बिल रिसीवेबल जो उसका एसेट था वो दे दिया तो एक तरीके से वो पेमेंट उसने कर दी थ्रू बिल रिसीवेबल, तो इसलिए अब वो उसका क्रेडिटर नो मोर है. सो दैट मीन्स उसे कैंसिल करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी क्रेडिट में क्रेडिटर्स लिखा हुआ था. सो इसीलिए क्रेडिटर्स अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड हेयर. देन टू बिल रिसीवेबल, क्यों, क्योंकि बिल रिसीवेबल हमारे बिजनेस से जा रहा है, बिल रिसीवेबल के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं अपने क्रेडिटर को एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. या देन एंडोर्सीज बुक्स, अब एंडोर्सी माने वो क्रेडिटर जिसको मैंने एंडोर्स किया है ये बिल, उसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, उसको बिल रिसीवेबल मिला है तो इसीलिए डेबिट व्हाट कम्स इन वो डेबिट हो गया. देन क्रेडिट द गिवर, उसको बिल रिसीवेबल मिला है और दिया किसने है, ड्रॉअर ने, तो ड्रॉअर को क्रेडिट कर देगा वो अपनी बुक्स में एक तरीके से. और इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अभी तक उसकी बुक्स में एंडोर्सर माने जो ड्रॉअर है वो डेबिट में पड़ा होगा एज अ एसेट की उसे उस की एंडोर्सी को एंडोर्सर से पैसे रिसीव करने हैं, बट जब वो पेमेंट उसने एक तरीके से कर दी बिल रिसीवेबल की फॉर्म में तो उसे कैंसिल करना पड़ेगा और कैंसिल करने के लिए हम फिर क्रेडिट तरफ एंडोर्सर लिख देंगे. देन व्हेन अ बिल इज सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, अब ऐसा भी होता है कि हम जो एक ड्रॉअर जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज मिला हुआ है वो उस बिल को बैंक के पास भेजते और बैंक से कहे कि तुम मेरे बिहाफ पे 3 महीने बाद जाकर ड्रॉई से पैसे रिसीव कर लेना, तो उस केस में ड्रॉअर की बुक्स में क्या एंट्री होती है, बिल सेंड टू फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, ये एक तरीके से उसका दूसरा एसेट बन जाता है कि मैंने बिल सेंड कर रखा है कलेक्शन के लिए बैंक को, ठीक है. देन टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल क्यों क्रेडिट हो गया, क्योंकि अब बिल रिसीवेबल कोई एसेट नहीं है, वो मैंने बैंक को दे दिया और उसके बदले में एक दूसरा एसेट आ गया है जिसका नाम है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. देन ऑन रिसीट ऑफ पेमेंट, जब 3 महीने बाद बैंक जाकर उससे पैसे ले आता है तब क्या एंट्री होती है ड्रॉअर की बुक्स में, बैंक अकाउंट डेबिट कर देता है, क्यों, क्योंकि पैसे आ गए तो बैंक उन पैसों को कलेक्ट करके ड्रॉअर के बैंक बैलेंस में ऐड कर देता है, तो इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं. देन बिल सेंड फॉर टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, तो अभी जो ये पहले एक एसेट बनाया गया था बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, अब वो कैंसिल कर देंगे क्योंकि उसके बदले में पेमेंट मुझे मिल गई है, इसीलिए इसे क्रेडिट कर देंगे.
अब इन सारे केसेस में जहाँ पर ड्रॉअर कुछ ना कुछ कर रहा है बिल के साथ, वहाँ ड्रॉई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती, उसको सिर्फ कंसर्न है पेमेंट करने से, तो जब वो पेमेंट करता है तो बिल पेबल टू कैश अकाउंट उसके बुक्स में एंट्री हो ही जाती है। अब एक और एलिमेंट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, डिसऑनर का। डिसऑनर का मतलब होता है, मान लीजिए 3 महीने बाद ड्रॉई पेमेंट नहीं कर पाया तो क्या होगा, उस केस को कहते हैं डिसऑनर, कि वो ऑनर नहीं कर पाया अपनी ऑब्लिगेशन को। उस केस में बुक्स ऑफ ड्रॉअर में क्या एंट्री होती है, डिफरेंट केसेस थे तो उन डिफरेंट केसेस में क्या एंट्री होगी वो देखते हैं। व्हेन द बिल इज़ रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर टिल मैच्योरिटी, अगर जिसे बिल ड्रॉअर ने अपने पास ही रखा था कि 3 महीने बाद जाकर वो खुद पैसे लाने वाला था ड्रॉई से, तो उसकी बुक्स में क्या एंट्री होती है, ड्रॉई वापस उसका डेटर बन जाता है। अभी तक वो डेटर मैं कैंसिल कर चुकी थी पहले जब मैंने बिल रिसीवेबल रिसीव किया था, ठीक है, बट अब उस बिल रिसीवेबल की वो कोई वैल्यू बची नहीं, क्यों, क्योंकि उस बिल रिसीवेबल से पैसे तो मिले ही नहीं ना, तो अब वो बिल रिसीवेबल कोई एसेट नहीं रहा, तो इसीलिए उसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दिया, और उसके बजाय एक दूसरा एसेट आ गया है डेटर, तो ड्रॉई का अकाउंट से डेबिट कर दिया, देन टू कैश अकाउंट। अब ये टू कैश अकाउंट क्यों किया है, ये नोटिंग चार्जेस के रिस्पेक्ट में किया है, कि जब भी डिसऑनर होता है तब वो व्यक्ति जिसके पास उस समय बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसे कोर्ट में जाके नोटिफाई कराना होता है कि दिस सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट, दिस सर्टेन बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ बीन डिसऑनर्ड, या और उस नोटिफिकेशन कराने के लिए उसे एक सर्टेन नोटिंग चार्जेस देने होते हैं। तो वो जब उसने पेमेंट की तो उसके हाथ से कैश गया, उसके बिजनेस से कैश गया, तो उसके लिए कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। और फाइनली एट द एंड जब पेमेंट रिसीव करता है वो डेटर से, तो नोटिंग चार्जेस भी उसी से रिकवर करता है, तो इसीलिए नोटिंग चार्जेस एज एन एक्सपेंस हम सिर्फ ड्रॉई की बुक्स में दिखाते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे। बैंक के साथ बिल को डिस्काउंट किया था, बैंक इज़ डिस्काउंटेड विद द बिल इज़ डिस्काउंटेड विद द बैंक, दैट मीन्स अगर मैंने बैंक से जाके बिल डिस्काउंट करा लिया था और फिर बैंक जब ड्रॉई के पास गया पेमेंट रिसीव करने के लिए, तब ड्रॉई ने पेमेंट नहीं की, उस केस में क्या होता है कि ड्रॉअर की बुक्स में, तो सबसे पहले तो बैंक ना ड्रॉई के अकाउंट से पैसे काट लेता है, क्योंकि बैंक को तो पैसे मिलने ही चाहिए इन एनी केस, तो बैंक वेट नहीं करता कुछ भी होने का कि ड्रॉई पेमेंट करे, बैंक ने तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉअर से लिया था, तो अगर अब बिल ऑफ एक्सचेंज से पेमेंट नहीं मिल रही है तो वो ड्रॉअर के अकाउंट से ही पैसे काट लेता है। तो जब ड्रॉअर के अकाउंट से पैसे कटे तो ड्रॉअर की बुक्स में टू बैंक हो जाएगा, क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो जाएगा एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बैंक का बैलेंस हमारा जा रहा है मतलब कम हो रहा है, देन ड्रॉईज अकाउंट विल बी डेबिटेड। वाई, बिकॉज नाउ जो ड्रॉअर है वो पैसे रिसीव करेगा ड्रॉई से, अब वो उसका अगेन डेटर बन गया है, तो इसीलिए एसेट की जगह आ गया है डेबिट में। देन व्हेन द बिल हैड बीन एंडोर्स्ड, अगर बिल एंडोर्स कर दिया था ड्रॉअर ने किसी थर्ड पार्टी को, देन वो थर्ड पार्टी कहेगी कि तुम्हारा बिल तो मुझे बिल से तो पेमेंट मिला ही नहीं, तो वो वापस मुझसे पैसे मांगने आएगा एंडोर्सी जिसे मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था, तो वो वापस मेरा क्रेडिटर बन जाएगा, और क्रेडिटर बनेगा तो मैं क्रेडिट तरफ लिख दूंगी टू एंडोर्सी अकाउंट, और ये जो मनी है वो मैं रिसीव करूंगी किससे, ड्रॉई से, तो ड्रॉई मेरा यहाँ पर डेटर बन गया है, तो इसीलिए उसे डेबिट कर दिया। इन एनी केस अगर डिसऑनर होता है तो ड्रॉअर की बुक्स में तो वापस ड्रॉई एज अ डेटर बन के डेबिट में आ ही जाता है। देन व्हेन द बिल हैड बीन सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, तो उस केस में जो बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन था वो एक एसेट नहीं रहेगा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बची, उसे पैसे मिले ही नहीं, तो उसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट में लिख देंगे। देन बैंक के पास उस समय बिल था जब बैंक ने जब वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक को नोटिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, तो इसलिए उसके बदले में बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट लेगा, तो बैंक बैलेंस हमारा कम होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। देन हम जो ड्रॉअर हैं वो पैसे किससे रिसीव करेंगे, अगेन ड्रॉई से, तो वापस एक डेटर बन जाएगा और डेबिट तरफ आ जाएगा।
देन डिसऑनर के केस में ड्रॉई की बुक्स में जिसे पेमेंट करनी थी और जिसने पेमेंट ऑब्लाइज नहीं की उसकी बुक्स में क्या एंट्री होती है? जो बिल पेबल उसके बुक्स में अभी तक एक लायबिलिटी था, उसका कोई वैल्यू नहीं बचा है क्योंकि उसने उसकी पेमेंट तो की ही नहीं, तो वो कैंसिल हो जाएगा और उसके लिए हम उसे डेबिट कर देंगे। देन नोटिंग चार्जेस, जो पेमेंट उस व्यक्ति ने किया जिसके पास उस समय बिल ऑफ एक्सचेंज था, वो पेमेंट फाइनली तो इस ड्रॉई से ही रिकवर करेंगे ना, क्योंकि इसी के कारण तो नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े थे। तो इसीलिए नोटिंग चार्जेस एक्चुअली में एक्सपेंस किसका होता है? ड्रॉई का, तो इसीलिए उसे डेबिट कर लेंगे यहाँ पर। देन टू क्रेडिटर्स अकाउंट, अब उसे पेमेंट करनी है ना तो सिर्फ ये 3000 बिल पेबल की बल्कि 50 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस की भी। सो इन टोटल 3050 पेमेंट करेगा क्रेडिटर।